Okay guys, so in this video we will be discussing a very important point. It's known as block versus function level scope. Okay, और यहीं पर हम लोग को पता चलेगा कि जब हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम तीन कीवर्ड्स यूज करते हैं. सो देर इज वैर, देर इज लेट, देर इज कॉन्स्ट. लेट और कॉन्स्ट ES6 के फीचर है, 2015 के बाद आए. उसके पहले जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे आप एज वैर करते थे, और यू हैव दिस रफ आइडिया कि कॉन्स्ट आप कब यूज करते हो, जब भी आप कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हो. ठीक है, नाउ एक कंफ्यूजन जो रहता है वो हमेशा रहता है वैर और लेट के बीच में, और द क्वेश्चन इज कि कौन सा यूज करना चाहिए. सो टू बी ऑनेस्ट, जावास्क्रिप्ट विल फोर्स यू, लाइक इट विल नॉट फोर्स यू बट इट विल सजेस्ट हमेशा कि यू शुड यूज लेट. ठीक है, वो सीधे वैर को नहीं हटा सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारा कोड डिप्लॉयड है वैर यूज करके, बट दे वॉन्ट यू एज अ डेवलपर टू यूज लेट. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. लेट्स से अगर आपने एक वेरिएबल बनाया वैर नंबर इज इक्वल टू 5, राइट, आपने बस इतना कोड लिखा एंड यू वुड सी कि यहां पर देखो मुझे ऑलरेडी बोल रहा है वन वार्निंग, वन वीक वार्निंग. अगर मैं इस पर क्लिक करूं देखो यहां पर क्या बोल रहा है, वैर यूज इंस्टेड ऑफ लेट और कॉन्स्ट. सो दे ऑल्सो वॉन्ट कि आप वैर के बदले क्या यूज करो, लेट. एंड नाउ यू वुड सी कि मैं जैसे ही ये करूंगा मेरा वो जो वार्निंग है वो हट गया. सो जावास्क्रिप्ट ऑल्सो वॉन्ट्स कि यू शुड यूज लेट. अब इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऐसा क्यों है, क्या प्रॉब्लम है वैर के साथ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट आई जस्ट शो यू कि वॉट आर द वेरियस स्कोप्स, स्कोप क्या क्या होता है. ठीक है, सो लेट मी शो यू. सो दिस इज नोन एज द ग्लोबल स्कोप, दिस इज द ग्लोबल स्कोप. ठीक है, इसको आप ग्लोबल स्कोप बोलते हो, मतलब मेन प्रोग्राम में जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो ये पूरे प्रोग्राम्स में थ्रू आउट कहीं भी यूज हो सकते हैं, इनको आप ग्लोबल स्कोप बोलते हो. ठीक है, देन यू हैव अ फंक्शन, लेट्स से फंक्शन हेलो, लेट्स से, और इस फंक्शन के अंदर दिस स्कोप इज नोन एज फंक्शन का स्कोप. ओके, फंक्शन का स्कोप, यहां पे डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स सिर्फ उस फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं, और उनका लाइफ टाइम भी फंक्शन का लाइफ टाइम होता है. फंक्शन खत्म, फंक्शन का काम खत्म, वेरिएबल्स भी खत्म. ठीक है, एंड देन देयर इज वन मोर स्कोप कॉल्ड ब्लॉक लेवल स्कोप. सो लेट्स से आपने इफ लिखा, लेट्स से मैंने ट्रू लिख दिया यहां पे. नाउ दिस स्कोप इज नोन एज ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास एक लूप है, लेट्स से आपने लिखा फॉर, या आपने लिखा वाइल, लेट्स से आपने लिखा वाइल, और वाइल के अंदर आपने लिखा लेट्स से लेट आई इज इक्वल टू 1, समथिंग लाइक दिस. ओके, और देयर इज सम एरर एंड दैट एरर इज के आई डोंट नो व्हाई इट्स व्हाटएवर, जो भी है, मतलब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉक लेवल स्कोप, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक स्कोप. ठीक है, सो आई गेस आपको स्कोप समझ में आ गया. ठीक है, नाउ आई विल शो यू कि प्रॉब्लम क्या है वैर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट क्रिएट सम वेरिएबल्स, वैर ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2, एंड कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ दिस इज ग्लोबल स्कोप, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई क्विकली do console.log and I would print out global scope comma a comma b comma c. okay, and when you run this code you should get this output, global scope mein value is 1 2 3, right. aur ab main kya kar raha hu, I am creating a function hello, and inside hello I am again rewriting this statement. और यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 5 6. मैंने क्या किया, अपने फंक्शन के अंदर कंप्लीटली नए तीन वेरिएबल्स बनाए, और आप ये बना सकते हो, राइट, आपके मेन प्रोग्राम में और आपके फंक्शन के अंदर सेम नाम से वेरिएबल्स हो सकते हैं. ठीक है, और हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद वी वुड ऑल्सो डू कंसोल डॉट लॉग सेम. मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ and I'll just paste over here and I would write this is function scope, right. So let's write function scope. ठीक है, so ये execute होगा, फिर ये execute करने के लिए मुझे एक बार hello को call करना पड़ेगा. so फिर ये पूरा code execute होगा और उसके बाद last में ये execute होगा. तो we will just see कि ABC का value change हुआ या नहीं, and you can also see
वेब स्टॉर्म क्या कर रहा है, कलर इनकोडिंग अलग कर रहा है, ये थोड़ा लाइटिश ब्लू है, दिस इज पर्पल, राइट, जस्ट टू शो कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्कोप्स. सो नाउ इफ यू रन दिस यू वुड सी कि ग्लोबल स्कोप में वैल्यूज वैसे ही हैं, इट्स लाइक दो अलग सेट ऑफ वेरिएबल्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर वैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैर इज बिहेविंग एग्जैक्टली सिमिलर टू लेट एंड कॉन्स्ट. मेन प्रॉब्लम कब आता है, जब आप ब्लॉक लेवल कोड यूज करते हो, ठीक है. सो लेट मी शो इट टू यू. सो वॉट आई विल डू इज आई जस्ट राइट इफ ट्रू, और यहां पर वॉट आई विल डू इज आई अगेन क्रिएट थ्री मोर वेरिएबल्स लाइक दिस, एंड आई विल राइट 7, 8 and 9, राइट. एंड आई वुड जस्ट राइट कंसोल डॉट लॉग, एंड दिस वुड बी ब्लॉक स्कोप कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके. एंड यू कैन सी नाउ यहां पर आपको कलर से भी दिख रहा है कि ये पर्पल ही है, जो आपका वैर है ये पर्पल है. इट शोज कि आप अभी ग्लोबल वाले के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है. और बी और सी का खुद का स्कोप है, दिस इज दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है. एंड आई शो यू क्या डिफरेंस होगा अभी. सो ध्यान से देखना. सो सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, वैर का वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगा, फिर यू विल हैव दिस फंक्शन कॉल, एंड देन वी विल हैव दिस, एंड यू वुड सी अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो यू कैन सी ये अभी भी 2, 3 है, एज ए एक डिफरेंट वेरिएबल अभी भी चल रहा है, बट जो आपका वैर है वो चेंज हो गया. मतलब अगर आप ब्लॉक लेवल कोड में कभी चेंजेस करोगे तो वो ओरिजिनल वाले में जाके चेंजेस कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं, और ये थोड़ा वियर्ड बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं है, बिकॉज ये दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं होता, और इसके लिए जावास्क्रिप्ट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला काफ़ी सालों तक. एंड देन फाइनली व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम कॉल्ड लेट एंड कॉन्स्ट, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप ये चीज़ से बच सकते हो, ठीक है. तो लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, और जो वैर होता है इसका फंक्शन लेवल स्कोप होता है, दैट्स द मेन डिफरेंस. सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से आगे हम लोग पूरे कोर्स में व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज लेट इंस्टेड ऑफ वार, और कॉन्स्ट यूज करेंगे जब भी हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करना है, ठीक है. सो या दैट्स इट, यही समझाना था इस वीडियो में, आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है. सो या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.